हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, इसके पहले एपिसोड में हमने गीता जी के 9वें अध्याय का 3 हमने श्लोक लिए थे, श्लोक 6, 7 और 8। उसी क्रम में हम आज 3 श्लोक और लेंगे, श्लोक 9, 10 और 11, 9, 10 एंड 11, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करें कि जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से, वो योगिक साइंस के जो हमारे सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत हैं, खासकर जो मूल 3 सिद्धांत हैं, वो वहाँ पर कहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, या फिर योगिक साइंस के अनुसार वो कहाँ पर स्थित है, उनकी स्थिति कहाँ पर है। और जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कोई भी चीज़ कह रहे हैं तो उसका योग में क्या स्थान है, वो कहाँ से और किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं 9वें अध्याय का 9वां, 10वां और 11वां सूत्र आपके सामने रखता हूँ। 9वां सूत्र है, हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, उदासीन वत, उदासीन की तरह। भगवान कहते हैं मैं उदासीन की तरह रहता हूं, उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। उसी तरीके से अर्जुन को भी इनडायरेक्टली ये शिक्षा दे रहे हैं कि यदि कोई जीवात्मा उदासीन की तरह रहे, यानी उदासीनता उसके जीवन में आ जाए, घट जाए, तो उसको कर्म, कोई सा भी कर्म करे, उसको कर्म नहीं बांधते और तभी कर्मों में अनासक्ति होती है, यदि उदासीनता उसके जीवन में आ जाए। तो इस सूत्र में उदासीनता बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो शब्द है वो यही है, उदासीन वत। योगिक साइंस में, योग विज्ञान में भी हमने बहुत सारे एपिसोड्स में, मैंने भी और शर्मा जी ने भी ये बात बोली है कि उदासीनता एक ऐसी, उसको गुण कहें, क्वालिटी कहें, या कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी शब्द दे सकते हैं, यदि वो जीवन में है तो कर्म बंधन नहीं होता, वो फ्री होता है एक तरीके से। अब मैं 10वां सूत्र लेता हूं। 10वें सूत्र में भगवान कहते हैं, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्वि परिवर्तते। यानी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। हमने पहले एपिसोड्स में काफी बार इसकी चर्चा की है कि जब एक स्थिति दो में परिवर्तित होती है, दो में आती है, यानी परमात्मा की चेतन शक्ति और प्रकृति, तो चेतन जो पूरी प्रकृति है वो चेतन शक्ति के हमेशा कंट्रोल में रहती है। उसी चेतन शक्ति के बारे में भगवान यहां इशारा कर रहे हैं और उस जगह पर अपने आप को रखते हुए ये बता रहे हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, मैं अध्यक्ष हूं, पूरी प्रकृति मेरे कंट्रोल में है, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। तो उसी की अध्यक्षता में सारी रचना होती है। वो जो चेतन शक्ति है, पूरी प्रकृति के चारों तरफ चेतन शक्ति है, उसकी शक्ति, उसके शब्द और प्रकाश,
इन तीनों से पूरे जगत की प्रकृति के अंदर पूरे जगत की रचना होती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है और हम जानते हैं प्रकृति में हर चीज परिवर्तनशील है। हमेशा यहाँ पे परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं है, और वो परिवर्तन का कारण भगवान बोलते हैं मैं कारण हूँ। मैं यानी योगिक साइंस के माध्यम से यदि हम समझें तो जो चेतन शक्ति है, परमात्मा रूपी जो चेतन शक्ति है, वो पूरी प्रकृति को हमेशा कंट्रोल करती है। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में। तो ये 10वां सूत्र। अब हम 11वां सूत्र लेते हैं। ग्यारहवां सूत्र है, अवजाननन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। यानी मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, यानी साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा जो श्रेष्ठ भाव है वो परमात्मा रूप है, जो पूरे प्रकृति की अध्यक्षता करता है, पूरे प्रकृति को कंट्रोल करता है, वो मेरा श्रेष्ठ भाव है। मगर जो आम मनुष्य हैं वो मुझे सिर्फ शरीरधारी मनुष्य, साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, यानी जो मैं कहता हूँ उस पर विश्वास करते हैं, कुछ विश्वास करते हैं, अधिकतर विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे कि वो जो मेरा श्रेष्ठ भाव है परमात्मा रूप उसको नहीं जानते हैं, इसीलिए मुझे एक साधारण मनुष्य मानते हैं और मेरी अवज्ञा करते हैं। तो ये तीन सूत्र मैंने आपको कहे, 9वां 10वां 11वां। और योगिक, हमारे योगिक योग विज्ञान में, योगिक साइंस में वो कहाँ पर सूत्र किस बात की का जिक्र हो रहा है योगिक साइंस के माध्यम से, वो मैंने आपको कही। अब मैं शर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि इन तीनों सूत्रों पर योगिक साइंस के माध्यम से और अपने अनुभवों के आधार पे इस पर प्रकाश डालें। योगिक साइंस की तरफ से अगर देखा जाए तो अभी तक जो हमने बातें कही हैं उसमें वो जो गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं वो योगिक साइंस में जो बातें कही गई हैं और जो उपदेश हैं ये लगभग लगभग बिल्कुल पैरेलल में चल रहे हैं, लगातार पैरेलल में चल रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे आप गहराई से देखें और थोड़ी सी गहराई में जाएं, बहुत गहराई तो नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि गहराई में जाने के बाद में वापसी के संकेत ना के बराबर हैं, इसलिए हम बहुत गहराई में नहीं जा सकते। थोड़ी सी गहराई में जा करके थोड़ा सा अनुभव किया जा सकता है, बहुत बड़ा अनुभव नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ा अनुभव जब परमात्मा की ही कृपा हो तभी हो सकता है। तो अभी जो 9वें अध्याय में उदासीनता की बात की गई है तो उदासीनता को बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारे संत महात्मा उदासीनता पे बात करते हैं। तो उदासीनता एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी स्थिति है आपके मन बुद्धि चित्त और शरीर की उदासीन, एक ऐसी स्थिति है कि जिसके बारे में कोई व्यक्ति उदासीनता में ना हो और वो उदासीनता की व्याख्या करे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो उदासीनता में जो है वो व्याख्या करेगा ही नहीं, और जो व्याख्या कर रहा है तो वो उदासीनता में उस वक्त नहीं है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे अब हम देखें, कहें कि कोई आदमी जीते जी और मौत का भाषण दे रहा हो कि भाई साहब ऐसे मरा जाता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये सब वो देखा दुखी बता रहा हो, लिखा हुआ बता रहा हो, या इसने दूसरे आदमी को मरते हुए देखा दे, मगर अपने को मरते हुए अपना वाला अनुभव जीते जी वो नहीं बता सकता,
ठीक उदासीनता का भी यही कारण है कि उदासीन व्यक्ति जो होता है उसको ये नहीं पता होता है कि मैंने कौन सा कार्य कर दिया है, ये इस चीज का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उदासीनता सीधे सीधे आ जाए ऐसा संभव नहीं है। पहले तो आपको जगत में जितने काम हैं इनको आपको लगन से करना पड़ेगा, फिर आपको कोई परमात्मा की कृपा हो जाए, इस जगत की कृपा हो जाए, जगत भी परमात्मा ही है तो जगत की कृपा हो जाए और वो उन कार्यों में से आपको ऐसा निकाल के लाए कि एक बिंदु है, जैसे एक हम बोलते हैं कि अंडे के अंदर एक प्लस है तो आप एक बिंदु है, तो आपको बिंदु का ज्ञान हो जाए और फिर उसके अंदर आपको अपने शरीर का ज्ञान, बिंदु से शरीर का ज्ञान हो जाए और शरीर से आपको इस जगत का ज्ञान हो जाए, मतलब अर्थात अंडे के अंदर का जो ब्रह्मांड हम जिसे बोलते हैं उसे हम अंडा अंडाकार कहते हैं, तो एक अंडा अंडेकार की जब हम स्थिति प्रकृति की हम बात करते हैं तो हम उसे अंडाकार कहते हैं जी। तो अंडे का ज्ञान हो जाए तो आपको बिंदु का, शरीर का और अंडे का, तीनों का मतलब अर्थात आपके केंद्र का, आपकी बॉडी का और इस जगत का, ये तीनों ज्ञान आपको हो जाए, इसमें उदासीनता का उदय होता है। मगर उदासीनता आ जाए तब ये तीनों ही तीनों का ज्ञान जो है ज्ञान रहित हो जाए और ये ज्ञान आपके सारे खत्म हो जाए और आपको उदासीनता आ जाए और आप सारे जगत के कार्य करो, आपको ये ही नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कार्य क्यों किया गया और ये कैसे हुआ और इस कार्य का परिणाम क्या रहेगा, इससे कोई इसका उससे संबंध नहीं है जी। आया कर दिया जाने तुम्हारा काम जाने, तो ये उदासीनता जो है, उदासीनता की व्याख्या करना इतना आसान नहीं है। अगर उदासीन की शर्मा जी, उदासीनता की आपने बहुत अच्छी व्याख्या की अभी, क्योंकि नॉर्मली जो लोग उदासीनता से लेते हैं, एक तो उदासीनता एक दुख जैसा एक एक इमोशन पैदा करता है, उदासीन है तो थोड़ा सा दुख है ना, या असर नहीं, हाँ असर नहीं होता, या फिर फ्रस्ट्रेशन है, तो उदासीनता का कोई मतलब नहीं है दुख या फ्रस्ट्रेशन से। उदासीनता का जो एक बहुत अच्छा नेचर आपने ये बताया कि यदि उदासीनता आ जाए तो उसको ये ज्ञान नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, ठीक है, जगत क्या है, ये क्या है, इस ज्ञान से इनसे मुक्त होता है, वो इससे फ्री है ना, तो ये उदासीनता की बहुत अच्छी व्याख्या है जी। आगे जैसे जैसे मौत आ जाए तो जीवन से फ्री हो गए जी, मौत आ गई तो जीवन से फ्री हो गए, मगर अगला जीवन वहां है, अगला जीवन आपका निराकार में है, मगर वहां उससे कोई लेना देना नहीं है जी, क्योंकि मौत आ गई जीवन से फ्री है, उससे लेना देना नहीं, इसका मतलब है कि मौत जो है वो जीवन काल में वर्णन नहीं हो सकती। तो इसका मेरा यही कहना कि उदासीनता जो है वो आपको काम कोई करते हुए, जगत में रहते हुए, इतना ज्ञान रखते हुए उदासीनता की व्याख्या करना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये एक उदासीनता के बारे में योगिक साइंस के माध्यम से एक छोटी सी गहराई बताई, अगर यहाँ बहुत गहराई में चले जाएं तो हमें तो उदासीनता में ये एपिसोड ही नहीं बनाना चाहिए। अगर हम बहुत गहराई में योगिक साइंस की गहराई में चले जाएं तो एपिसोड का कोई मतलब नहीं है। तो उदासीन एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ उसका महत्व तो नहीं है, तो ये को उदासीनता, उसे उदासीनता और कहा क्या जाए वो बताने वाला नहीं है, तो इसलिए उसको उदासीनता कहा जाए, ऐसा कोई बताने वाला नहीं है कि भाई अब हम उदासीनता में आ गए, ऐसा कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वो अपने आप स्थिति है। तो वो अपने आप में स्थिति है, वो स्थिति अगर आ जाए बस ये इस प्रकृति से कृपा करते रहो कि वो स्थिति आ जाए और आपको पता ना चले, तो ये एक स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छा, दूसरा जो दसवां श्लोक था जी, वो किस विषय पे था? दसवां था कि
दसवें में भगवान ये कहते हैं कि मुझे मैं परमात्मा रूप हूं, ठीक है, और जो पूरी प्रकृति का मैं अध्यक्ष हूं, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में सारे कार्य करती है, सारी रचना करती है। ये दसवां जी, ये दसवां श्लोक जो अध्यक्षता का भगवान कहते हैं, तो वो उस वक्त अध्यक्ष का मतलब होता है कि एक बड़े लेवल से रह करके और छोटे लेवल जो छोटी स्थिति है, बड़े लेवल की स्थिति में रह करके छोटे लेवल की संरचना करे और छोटे लेवल वाले सभी की देख रेख करे। और इन जो मनुष्य के शरीरों में, जो वो कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में मुझे परमात्मा रूप कोई नहीं मानता, तो उसमें अध्यक्ष की तरफ से वो नहीं मानता, वो ये वहां पे भगवान कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष जब होता हूं तो मैं परमात्म स्वरूप होता हूं, तब मैं इस जगत की, इस प्रकृति की मैं अध्यक्षता करता हूं, तो तब मैं उसकी अध्यक्षता करता हूं। और जब मैं यहां प्राकृतिक में होता हूं तो मैं प्राकृतिक में रह करके अपने अगल बगल आस पड़ोस जितनी भी प्राकृतिक है उसका संरक्षण परिरक्षण करता हूं, उसकी देखभाल करता हूं और उसकी मैं सुरक्षा करता हूं। ये मनुष्यों का दायित्व है कि ऐसी स्थिति वो प्राकृतिक में रखें। मगर यहाँ ये बहुत बड़ा एक क्रास हो रही है चीज। देखिए, हम अगर ये चीज हम सोच लें कि हम यहाँ रह करके प्राकृतिक में, और हम अभी प्राकृतिक में हैं और आज ये कृष्ण भगवान के कहने के अनुसार हम कहने लगे कि हम प्राकृतिक में इसके संरक्षण करेंगे, परिरक्षण करेंगे, इसकी देख सुरक्षा करेंगे और इसकी हम देखभाल करेंगे, इसको कोई बाहरी तत्व इसको नुकसान न पहुंचाए, इसे हम देख रेख करेंगे, तो सवाल ये खड़ा होता है कि हम जिस जीवाणु में रहते हैं, हम खुद जीवाणु के झुंड हैं और हम उन जीवाणुओं में रहते हैं और जीवाणुओं को ही हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने में मृत्यु होती है और हमें निकालने में उन्हें फिर वो दोबारा उनकी दोबारा रचना होती है। तो ये जो सिस्टम है, तो इस सिस्टम से तो हम दुखी हो जाएंगे क्योंकि हम संरक्षण परिरक्षण, यहाँ कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अध्यक्षता करता हूं, अगर आप अध्यक्ष हैं बाहर से तो इसकी आप संरक्षण परिरक्षण कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर जो वो कहना चाह रहे हैं वो इनडायरेक्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप यहाँ पर रहें तो इस प्राकृतिक से उतनी ही चीज उपयोग करें जितनी आपको कम से कम आवश्यकता हो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम अध्यक्षता करता हूँ, अध्यक्ष हैं तो अगर आप अध्यक्ष हैं और मुझे अध्यक्ष की तरह जो प्राकृतिक की लोग वो नहीं मानते, वो ये कह रहे हैं कि वो लोग नहीं मानते, ठीक है, वो लोग नहीं आपको मानते हैं तो वो आपको मात्र प्राणी मात्र मानते हैं, तो वो यही इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद प्राणी है, अगर उनमें ये गुण आ जाए वो आपको पहचान लेंगे, वो आपको पहचान लेंगे जिसमें ऐसा गुण होगा कि वो प्राकृतिक में उतनी ही चीज लेता होगा कि जितनी उसको जीवन जीने के लिए जरूरत। तो इससे है कि आप जीव जीव को मारता है और जीव जीव को पालता है और जीव जीव को ही मार के खाता है, ये इस नेचर की एक बेसिक गणित है। तो इसलिए ये जो इकट्ठा करना या इसको बहुत सारा इसका पसारा फैलाना, ये इस विषय पे वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं अध्यक्ष हूँ और मैं इसका संरक्षण, मुझे लोग यहाँ पे नहीं जानते, यहाँ पे नहीं जानते, लोग पहचानते हैं जिनकी संतमति है, संतमति मिल गया उपयोग किया आगे बढ़े, मिल गया उपयोग किया आगे बढ़े, कोई आपने बहुत बड़ा तामझाम आपने बहुत रचना आपने इकट्ठी नहीं करी है, आपने किसी का हरण नहीं किया है, आपने किसी को इकट्ठा नहीं किया है, आपने अन्य दूसरी जो जीवें हैं उनका हिस्सा आपने अपने पास नहीं रखा है, उनका हिस्सा उनके पास रहना रहे, ये तुम्हारा सामान तुम्हारे पास रहे, संत नीति, वो संत नीति की बात कर रहे हैं। और तो वो संत नीति बात, संत नीति जो होती है उतना ही चाहिए उतना ग्रहण किया, वो लोग कृष्ण भगवान को
मनुष्य रूप नहीं जानते, वो परमात्म रूप यहाँ पर भी जान रहे हैं और वो अध्यक्षता करते हैं, इसलिए वो परमात्मा है। वो बाहर की तरफ है, राउंड जो हमारा योगिक साइंस कहता है वो बाहर की तरफ है, तो परमात्मा स्वरूप है वो, संत नीति वो ये दोनों की तरफ जानते हैं। तो वो प्रसन्न भगवान इसलिए ये कह रहे हैं कि वो हमें लोग पहचानते नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ के जो प्राणी हैं सभी, वो सबके सब जगत के रसों में लीन होकर के पूरे जगत के इकट्ठा किए दूसरे के हिस्से अपने पास रखे हुए हैं, इसलिए नहीं पहचानते, इसलिए नहीं पहचानते। तो वो इस विषय पर बात करना चाह रहे हैं, वो योगी साइंस का अपना ये गहरा विषय है थोड़ा, तो इसलिए वो संत नीति की बात नॉर्मल ये बता करके इस दसवें श्लोक में अध्यक्षता की बात यही कि अध्यक्षता मतलब होता है कि अपने नीचे वालों की संरक्षण और परीक्षण करना, उसे ही अध्यक्ष बोलते हैं कि आप ऊपर बैठे तो नीचे वालों की हमारी भैया सुरक्षा तो करो, तो उसे ही बोलते हैं अध्यक्ष। तो वो अध्यक्ष है मगर यहाँ आने रहने के बाद में उनको पहचानते नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं। ये हमने योगिक साइंस के दसवें श्लोक पर आपकी ये बात कही, जो योगिक साइंस में 11वां श्लोक भी आ गया, आपने 11वें श्लोक की भी बात कर दी इसके अंदर, क्योंकि 11वें श्लोक में ही कृष्ण जी बोलते हैं कि जो साधारण मनुष्य हैं वो मुझे सिर्फ मनुष्य मात्र मानते हैं और मेरी अवज्ञा करते हैं, जबकि मैं पूरे प्रकृति की अध्यक्षता करता हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, है ना। तो ये 11वां श्लोक भी इसके अंदर आ गया है ना। तो हाँ, तो ठीक है, तीनों श्लोक की अच्छी व्याख्या हुई योगिक साइंस के माध्यम से, और योगिक साइंस के का जो जो सिद्धांत है उसमें कहीं ना कहीं हर चीज फिट बैठती है जी, है ना। और इस तरीके से एक सिद्धांत जो है, इसका मतलब यह कि इटर्नल सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है योगिक साइंस के। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर से हम 2 या 3 श्लोक लेंगे इसी अध्याय का, है ना। 9वां अध्याय चल रहा है, फिर अध्याय 10वां लेंगे, इस तरीके से हम क्रमवश बढ़ते रहेंगे, और जो पहले का अध्याय है वो भी हम लेंगे। ठीक है सर, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, नमस्कार जी।